आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। इससे मच्छर भी भाग जाएंगे। हाँ, लेकिन मच्छरदानी तो निकालनी पड़ेगी मीनाक्षी, उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, पता है। बचपन में उसे मच्छर ने यहाँ काट लिया था। इतना सूज गया था। हाँ, सारे भाइयों ने गाल छू छू के सुझाया होगा। वाह वाह वाह, इच्छा बेन की आने की खबर से तो मैं बहुत खुश हूँ माना के पप्पा। पिछला जन्म में मैंने जरूर ब्राह्मणों को गौ दान किया होगा कि मुझे इतनी अच्छी बहन मिली। तुम बहुत अच्छी हो मीनाक्षी। लेकिन इच्छा बहन तो और भी ज्यादा अच्छी है ना सुबोध भाई। मैं जरा मोगरे की और अगरबत्तियां लेकर आता हूँ। बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, यस। बेबी बेबी सुनो, ना मत लो मेरा। ओके, मेरी बात तो सुनो इच्छा। तुम्हीं ने तो कहा था कि तुम्हारा नाम नहीं लूं, इसलिए तो जाओ ना इच्छा के पास ही जाओ। अरे अरे बेबी, हेलो हेलो, तुम जाओ यहाँ से और 2 हफ्ते यहाँ नजर मत आना। कमाल है, इस घर में 2-2 शादियां हो रही है और तुम मुझे आने से रोक रही हो। तुम सीधे शादी और रिसेप्शन में आ जाना, वरना वो नागिन इच्छा तुम पे और डोरे डालेगी। ओके, तो तुम जेलस हो रही हो। अच्छा अच्छा हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, तुम्हें तो अच्छा लगेगा ही ना जब वो बोले कि जय श्री कृष्ण बिरजू, मेरा एक और पोर्ट्रेट बना दो ना, और पोज देने के बहाने इतने लटके झटके दिखाएगी कि तुम। मैं क्या? कमऑन, पिछले 9 सालों से मेरे दिलो दिमाग में बसी हो तुम, इसे कोई भी इच्छा 100 जन्मों तक नहीं निकाल सकती। अच्छा तुम जाओ। मैं हूं ना, और वैसे भी तुम्हारी कमजोरी दरअसल मेरी स्ट्रेंथ है, और इसे तो मैं एक दिन समंदर में फेंक दूंगा हमेशा के लिए, ताकि मैं हमेशा तुम्हें उठा सकूं। ऐसे बिरजू, बिरजू ये तुम क्या कर रहे हो? बिरजू बिरजू स्टॉप इट, बिरजू बिरजू ये चक्कर आ रहे बिरजू। गिर गया सब। सो सॉरी। हाँ, ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं ये पेंटिंग जाकर अनीश को दिखाऊंगी और उसको कहूंगी कि मैं उसको कितना चाहती हूँ। रहने दो ना, मैं उठा लूंगी। इट्स ओके। चोर कोतवाल को डांटे, मैंने
मैंने इच्छा का पोर्ट्रेट बनाया तो तुम गुस्सा होगे। बिरजू, बिरजू ये पेंटिंग तुमने नहीं बनाई, पता है? मैंने ही बनाई, लेकिन मेरी लेकिन तुम्हारा मकसद तुम्हारे और अनीश के प्यार को एक्सप्रेस करना थोड़ी था, तुम तो हैंडराइटिंग प्रैक्टिस कर रही थी ना। नहीं, मैं मानती हूँ कि मैं अनीश को चाहती थी, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है, अब मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? तो क्या हुआ? What's the big deal? अरे what do you mean what's the big deal? ये किसी और लड़के से प्यार करती थी और हाँ, और उसी लड़के के साथ 2 हफ्ते बाद मेरी शादी है, लेकिन मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बेबी फे के मन में अनीश के लिए जो प्यार था वो अब एक अच्छी दोस्ती में बदल गया है। हाँ, लेकिन वो पेंटिंग तो नहीं बदली ना। वही चेंज करने के लिए मैंने निकाली थी। अनीश फ्रेंड्स बेबी, सच्ची बच्चू सच्ची। बेबी मुझसे झूठ मत बोलो। तुम्हें सच सुनना है ना, मुझसे सुनो। अनीश बेबी फे का पहला प्यार था और हमेशा रहेगा, क्योंकि लड़कियां अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलती। लेकिन मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है? नहीं बिरजू, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। ये डिंपल तो कुछ भी बोल रही है। बेबी फे, मैं तेरी तरफदारी करके इसे समझा रही हूँ, और तू तो मुझे उल्टा समझेगा। तो क्यों उल्टा समझेगा, मुझे पूछने दो ना। तुम 9 साल से अपनी कल्पना में देख रहे हो कि बेबी फे भाग रही है, दौड़ रही है, लेकिन जब सच्चाई तुम्हारे सामने आई तब तुमने क्या कहा कि अगर तुम सच्चाई नहीं बदल सकते हो तो तुम अपनी कल्पना बदलोगे, क्योंकि तुम बेबी फे से प्यार करते हो। हाँ। और तुम अपनी कल्पना में 9 साल से ये भी देखते आए होंगे कि बेबी फे की लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, लेकिन अब और एक सच्चाई तुम्हारे सामने आई है, तुम उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हो। तुम अपनी कल्पना क्या बदलोगे? तकलीफ मुझे कुछ भी एक्सेप्ट करने में नहीं है और ना ही अपनी कल्पना बदलने में है। तकलीफ तो इस बात की है कि इसे मुझ पर भरोसा ही नहीं है। इसे लगता है कि सच्चाई जानने के बाद मैं इसे ठुकरा दूंगा, और यही चीज मैंने बात से भी कही थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तुमने मुझसे क्यों छुपाए? समुंदर की तरह इतनी सारी बातें जो किस्तों में एक्सीडेंटली बाहर निकलती हैं। तो तुम उतरो ना समुंदर में। 9 साल से किनारे पे बैठ के कल्पना कर रहे हो कि ये होगा वो होगा, फिर जो हकीकत और कल्पना में बहुत फर्क होता है, और ये फर्क जानने के लिए तुम्हें बेबी फे के साथ वक्त गुजारना होगा। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि ये मेरे साथ बाहर कहाँ आती है? झूठ मत बोलो, कब कहा तुमने? अरे कल मैंने तुम्हें इशारा नहीं किया था? मैं नहीं समझी, तुम इशारे में क्यों बोल रहे थे? मुंह से नहीं बता सकते? चलो अब भी चलते हैं, देखते हैं हमें कौन रोकता है। हाँ, चलो चलो, मैं भी चलता हूँ, तीनों चलते हैं हम लोग। यहाँ है ना, मुझको कुछ मजा ही नहीं आ रहा है। चल बिरजू। आप कहाँ जा रहे हो? ये दोनों तो अपनी शादी की प्लानिंग करने जा रहे हैं। तो मैं भी करूंगा ना शादी की प्लानिंग, और यहाँ बैठ कर ना वो इच्छाधारी नागिन शादी की प्लानिंग करने ही नहीं देगी। लीला भाभी है ना, वो ऐसा बोलती है कि हम लोग के घर में एक खतरनाक नेवला तो होना ही चाहिए। इससे मच्छर भी भाग जाएंगे। हाँ, लेकिन मच्छरदानी तो निकालनी पड़ेगी मीनाक्षी, उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, पता है? बचपन में उसे मच्छर ने यहाँ काट लिया था। इतना सूज गया था। हाँ, सारे भाइयों ने गाल छू छू के सुझाया होगा। वाह वाह वाह, इच्छा बेन की आने की खबर से तो मैं बहुत खुश हूँ मानव के पापा। पिछला जन्म में मैंने जरूर ब्राह्मणों को गौ दान किया होगा कि मुझे इतनी अच्छी बहन मिली। तुम बहुत अच्छी हो मीनाक्षी। लेकिन इच्छा बहन तो और भी ज्यादा अच्छी है ना सुबोध भाई। मैं जरा मोगरे की और अगरबत्तियां लेकर आता हूँ। बोलिए बोलिए। हाँ हाँ मीनाक्षी, तू क्या ही कर रही है सौतन की सहेली? अरे इच्छा यहाँ रहने आने वाली है। तुझे पता है ना, हमारे साथ मिलकर हमारी मदद करने के बजाय ये मदद तो की माने भाभी। अपना कमरा दे दिया रहने को,
लगता है कि यहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहेगी ना तो उन्हें तकलीफ नहीं होगी। इच्छा अगर मालिये पे रहेगी ना तो भी उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि सारे भाई खड़े होंगे ना नीचे अपने हाथ फैलाए, कब इच्छा गिरेगी उनके हाथों में। लीला भाभी आप क्या क्या इमेजिन करती है। अभी मैंने आपको अपने इमेजिनेशन बताए कहाँ है। एक बार मैंने इमेजिन किया कि वो इच्छा की बच्ची सारे भाइयों को सांप बना के अपने आस पास नचवा रही थी। सो फनी। हंसिए मत चारुबाला बेन, अब की इमेजिन करूंगी ना सबसे पहले तुषार कुमार डांस करते नजर आएंगे उस इच्छा के साथ। अरे कुछ कीजिए चारुबाला बेन, वो सिर्फ 15 दिन के लिए यहाँ आएगी और फिर हमेशा के लिए आपके वालकेश्वर में जाके सेटल हो जाएगी। लीला भाभी हमें किसी की मदद लेनी होगी। बापूजी एक आइडिया है। पान के साथ साथ वो भी मत खा जाइए, बताइए। चारुबाला को यहाँ से चलता करने के लिए बच्चों ने आवाज बदल कर जिस तरह सिमरन को फिल्म में एक्टिंग करने का ऑफर देकर उल्लू बनाया था वैसे। फैंटास्टिक आइडिया। ये इच्छा जब देखो तब दर्शन करने विदेश जाती रहती है। हाँ आपको पता है वो किसके दर्शन करने जाती है। अभी पिछले दिनों वो तांजानिया गई थी ना तो वहां पर मिस्टर तांजानिया कॉन्टेस्ट चल रहा था। और जब हमारी फैमिली सिंगापुर गई थी ना तब भी वो वहां पर दर्शन करने गई थी और कोइंसिडेंटली वहां पर तब मिस्टर सिंगापुर कॉन्टेस्ट चल रहा था। करेक्ट। अब उससे कोई मिस्टर नागालैंड कॉन्टेस्ट का ऑर्गेनाइजर बन के मिले और उसे जज बनने का ऑफर करे तो। गुड आइडिया, पर हमारी हेल्प करेगा कौन, वो तो सबको पहचानती है ना यहाँ। एक आदमी है जिसे वो नहीं पहचानती। हाँ? और उसे एक्टिंग करने का तजुर्बा भी है। अगर वो तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हो तो। कौन कौन? राजा। मैं नहीं करूंगा ये काम। हाँ क्या लगता है नहीं करना मेकअप कर लेना। अरे क्या हुआ? अभी आपको क्या बताऊं बा, इन्हीं से पूछता हूँ। याद कीजिए ना डिंपल के पप्पा, जब इस घर में मेरा पहला दिन था तो हम दोनों के बीच क्या कस्मी वादे हुए थे। चुप कर, फालतू बकवास मत कर। हमारे बीच कोई कस्मी वादे नहीं हुए थे, तूने खुद ने कहा था कि मैं सिर्फ खाना बनाऊंगा। तो मुझे चद्दर इस्त्री करने को क्यों बोल रहे हो? बात यह है कि वो इच्छा हमारे हमारे घर में रहने आ रही है और वो बहुत पर्टिकुलर है बा, अगर चादर में थोड़ी सी भी सिलवट रही ना तो वो सो नहीं पाएगी बेचारी। अच्छा, मैं जब चादर इस्त्री करती हूँ तो फालतू में बिजली का बिल बढ़ने लगता है, बेकार में मेरे पापा की गलती निकलने लगती है। हाँ अरे इच्छा बेचारी गेस्ट है, जरा समझो लीला। अगर तुम लोगों को परेशानी है तो मैं खुद इस्त्री कर लूंगा चादर। नहीं मेरे तो आप काम नहीं करेंगे डिंपल के पप्पा, लाइए मैं कर देता। नहीं मैं खुद कर लूंगा। अरे मैं करता हूँ, सुनिए तो डिंपल के पप्पा। देखा बात, देखा आपने, आज तक जिंदगी में मेरे लिए एक रुमाल तक इस्त्री नहीं किया है, उस बेचारी के लिए पूरी चादर इस्त्री करने जा रहे हैं और पता नहीं अपनी डायरी में क्या क्या लिखने वाले उसके लिए और कितनी बार पगली लिखने वाले। पता नहीं किस उल्लू के पट्टे ने बुला लिया उसे यहाँ पर। मैंने बुलाया था। सॉरी बा, पर बाप क्यों क्यों? तुझे और चारुबाला को मिलाने के लिए। पर बा आपने ये नहीं सोचा कि वो नागिन यहाँ आएगी तो सबको अलग अलग कर देगी। ठीक है मैं यहाँ आने से उसे मना कर दूंगी, पर तुझे वादा करना पड़ेगा कि तू चारुबाला के साथ डिंपल की शादी तक नहीं लड़ूंगी। प्रॉमिस बा, प्रॉमिस। जा फोन लेके आ। थैंक यू बा, थैंक यू।
मैं तो कहती हूँ हर घर में मुसीबत से छुटकारा दिलाने वाली आप जैसी एक बात तो होनी ही चाहिए। जय श्री कृष्ण लीला बा। डूब गई टाइटैनिक। आपने कुछ कहा लीला भाभी? कुछ नहीं, डिंपल के पापा बता रहे थे कि वो आपका ड्राइवर कम बॉडीगार्ड कहीं चला गया है, इसीलिए आप देर से आएंगी। हाँ, लेकिन भला हो मोटा भाई का, उन्होंने एक दूत को भेजा मुझे पिकअप करने। दूत? हाँ, आइए। या आई एम कमिंग एक्चुअली, इट्स हैवी, दैट्स व्हाई। हाय, हेलो एवरीवन। अनीश कुमार, मेरा होने वाला दामाद कितना हैंडसम है। आप जानती हैं लीला भाभी, सिग्नल पे सब समझ बैठे कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मेरे दामाद को भी नहीं छोड़ा? नहीं, एक्चुअली इनकी दोस्त रास्ते में मिल गई थी तो उन्होंने मजाक में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बा, मेरा कमरा कहाँ है? आ, दिखाती हूँ। अब अनीश कुमार जी, इफ यू डोंट माइंड, मेरा बैग। माय प्लेजर, एंड व्हाई विल आई माइंड, आई विल जस्ट गेट इट। अनीश कुमार जी, अब जी, आपको याद है ना कि कुछ दिनों के बाद आपकी शादी होने वाली है मेरी बेटी के साथ? हाँ, क्यों? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।